हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा O2 फ़ोन है, तो लावा O2 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोन की रैम को आप कैसे इनक्रेज कर सकते हैं लावा O2 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि रैम को इनक्रेज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोन की रैम कैसे बढ़ा सकते हैं लावा O2 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन की रैम को कैसे इनक्रेज़ कर पाएंगे लावा फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि रैम को इनक्रेज़ कैसे कर सकते हैं लावा O2 फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए बस आपको सेटिंग्स पे जाना है और सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में इसका आप यूज़ कर पाएंगे, और अपने फ़ोन में यूज़ करके आप इसके ज़रिए देख सकते हैं कि रैम को इनक्रेज़ कर सकते हैं। स्लाइड करते हुए फोन रैम सेटिंग्स पे चले जाना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन की रैम को इनक्रेज़ कर पाएंगे और बढ़ा सकते हैं लावा O2 फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स आ रही है, तो आप रैम एक्सपेंशंस को इनेबल करके, रीस्टार्ट करके, रैम एक्सपेंशंस का यूज़ करके फ़ोन की रैम को इनक्रेज़ कर पाएंगे एंड आप बढ़ा सकते हैं अपने लावा फ़ोन में रैम को, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे लावा फ़ोन में। और साथ में ही देख सकते हैं कि आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसके ज़रिए रैम को इनक्रेज़ कर सकते हैं। जैसे वर्चुअल रैम सेटिंग्स हैं, तो आप 1 GB रैम को या 2 GB या 3 GB रैम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए कर सकते हैं और फ़ोन की रैम को इनक्रेज़ कर पाएंगे अपने लावा O2 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।